योग का अभ्यास करने हेतु कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। योगा अभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत मन से करना चाहिए। यह खाली पेट आरामदायक कपड़ों में करना चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी समस्या होने पर चिकित्सक से परामर्श करें। अभ्यास सत्र का प्रारंभ प्रार्थना या वंदना से किया जाना चाहिए तथा अंत ध्यान मुद्रा में करना चाहिए। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन व स्नान करना उचित है। योग की शुरुआत प्रार्थना से करें। अपने हाथ जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें। अपना सारा ध्यान अपने परमेश्वर पर केंद्रित करें। सर्वच्छत्वं संवदत्वं संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनानां उपासते संजनानां उपासते संजनानां उपासते। अपने तन मन में शांति का अनुभव करें। हर तनाव से अपने को दूर करें। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग का अभ्यास चालन क्रियाओं के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। गर्दन को आगे पीछे झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। सिर उतना ले जाएं जितना जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। गर्दन को दाहिनी और बाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं ओर ले जाएं। स्कंध संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस लाएं। जब हाथों को ऊपर उठाएं, तब ध्यान दें कि वह सिर को स्पर्श ना करें। जब हाथों को नीचे करें, तब ध्यान दें कि जांघों को वह स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधों पर रखें। दोनों कोहनियों को चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल पक के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। जब कोहनियों को घुमाएं, उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं। यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। धड़ को घुमाना। कटिचालन। पांव को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों भुजाओं को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों।
सांस छोड़ें और शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाएं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें, सांस छोड़ें और शरीर को बाएं तरफ इतना घुमाएं कि दाएं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। डिस्क समस्या होने पर यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना, उत्कट आसन। सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे ले जाएं। सांस भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। पुनः दोहराएं। इस व्यायाम में घुटने तथा कूल्हों के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक अर्थराइटिस होने पर यह व्यायाम ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैर को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधे की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से उठाएं तथा अंगूठे पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड रहें। वृक्षासन। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते वक्त ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार यानी पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड रहें। इस दौरान सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर यह आसन ना करें। पाद हस्तासन। धीरे धीरे श्वास भीतर लें और भुजाओं को ऊपर ले जाएं, शरीर को कमर से ऊपर खींचें, श्वास छोड़ें तथा आगे की ओर तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली भूमि को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड बनाए रखें। जिन्हें पीठ की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही झुकना चाहिए। अब श्वास भीतर लें, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएं। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें, सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड रहें। यह आसन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षितिज ना हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड के लिए रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। स्लिप डिस्क, शियाटिका में यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। आइए
अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हो जाइए। पहला आसन है दंडासन। पांव को सामने की तरफ फैलाकर सीधे रखें और हाथों को कूल्हों के पास रखें। यह आसन दंडासन है। भद्रासन। पांव को मोड़कर अपने हाथों को मिलाकर अपने पैरों के तलवों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो सके मूल आधार के पास लाएं। इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। एक्यूट आर्थराइटिस या शियाटिका के मरीज यह अभ्यास ना करें। अगला आसन है वज्रासन। दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें और अपने हाथों को घुटनों पर रखें। शरीर को सीधा रखें। यह आसन वज्रासन। अर्धष्टासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने हाथों को कमर पर रखें। सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। प्रक्रिया दोहराएं। 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें। यह आसन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ या गर्दन दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। वापस अवस्था में आए। शशांक आसन। शशांक का अर्थ है खरगोश। दोनों घुटने को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को स्पर्श करने दें। हथेलियों को धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें और आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। थोड़ी को भूमि पर रखें। इसी अवस्था में बने रहें। इसी अवस्था में शिथिल हो जाएं। यह आसन तनाव और गुस्से को कम करता है। सांस भीतर खींचते हुए उठें। उत्तांग मंडुका आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति मेंढक जैसी हो जाती है। घुटनों को फैलाएं, सांस खींचते हुए अपने हाथों को सिर के पीछे ले जाएं और विपरीत कंधों पर अपने हाथों को रखें। गर्दन को सीधा रखें। इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द, ग्रीवा दर्द से छुटकारा दिलाता है। वापस अवस्था में आ जाएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास रखें। हथेली को दाहिने पैर के पास रखें और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। इसी स्थिति में बने रहें। यही प्रक्रिया बाईं ओर भी दोहराएं। पीछे की ओर मुड़ें। इस स्थिति में बने रहें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। कब्ज तथा अपच दूर करने में भी यह बहुत ही सहायक है। मकरासन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल लेट जाएं, टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने सिर को हाथों के ऊपर रखें। आराम करें। यह मकरासन है। यह पीठ के लचीले हिस्से के लिए लाभप्रद है। इसी स्थिति में बने रहें। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अगला आसन है भुजंगासन।
भुजंग का अर्थ है सर या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को छाती के पास रखें, टांगों को आपस में जोड़ें, कोहनियों को ऊपर उठाएं, सांस को भीतर खींचते हुए थोड़ी और नाभि के हिस्से को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। प्रक्रिया दोहराएं। ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। यह आसन तनाव दूर करता है। अब पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शलभ आसन। शलभ अर्थात पतंगा। पेट के बल लेट जाएं व थोड़ी भूमि पर रखें। दोनों हाथ बगल में रखें, सांस खींचे व टांगों को उतना उठाएं जितना बिना घुटने मोड़े उठा सकें। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन शियाटिका में आराम देता है व कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। सांस छोड़ते हुए टांगों को भूमि पर लाएं। यह आसन हृदय रोगी ना करें। सेतु बंधासन। टांगों को जोड़ें व बाहें बगल में रखें। टांगों को मोड़ें व एड़ियां नितंब के पास लाएं। एड़ियां कसकर पकड़ें व धीरे धीरे नितंब और धड़ से पुल की भांति आकार बनाएं व उतना उठाएं जितना संभव। धीरे धीरे यह जमीन पर वापस लाएं। यह अवसाद व व्याग्रता के मरीजों के लिए लाभप्रद है एवं यह आसन पीठ के मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। यह आसन गर्भावस्था में ना करें। उत्थान पादासन। पीठ के बल लेट जाएं, पैर सीधे रखें व हाथ बगल में रखें। श्वास लेते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों पैर उठाएं। और 30 डिग्री का कोण बनाएं। निश्वासन के साथ धीरे धीरे पैर नीचे लाएं। यह आसन मणिपुरा चक्र को संतुलित करता है। अर्धहलासन। पीठ के बल लेट जाएं व भुजाएं बगल में रखें। बिना घुटने मोड़े पैर धीरे धीरे उठाएं एवं 30 डिग्री फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण क्रमशः बनाएं। अब धीरे धीरे पैर नीचे वापस लाएं। शियाटिका के मरीजों को यह आसन दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाएं व घुटने मोड़ें और जांघों को छाती से लगाएं और उंगलियों से जकड़ लें। सिर व कंधे उठाएं और थोड़ी से घुटनों को मिलाने का प्रयास करें। शवासन। शव का अर्थात मृत शरीर। पीठ के बल लेट जाएं व भुजाओं और टांगों को फैला लें। हथेलियां ऊपर की ओर रखें व आंखें बंद कर लें। श्वास को धीमा एवं लयबद्ध कर लें। यह आसन सभी प्रकार के तनाव से मुक्ति देता है। कपाल भारती। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, गहरी सांस लें, सीना फुलाएं व उदर की मांसपेशियों के तीव्र संकुचन से निश्वासन करें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें
यह कपालभाति का एक चक्र है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, बाएं हथेली को घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएं व दाएं अंगूठे से बाएं नासिका छिद्र को बंद करें। गहरी सांस लें और बाएं नासिका छिद्र बंद करके दाएं छिद्र से निश्वासन करें। फिर श्वास दाएं नासिका से छिद्र से लें व बाएं नासिका छिद्र से निश्वासन करें। यह आसन ऊर्जा के प्रमुख मार्गों को शुद्ध करता है एवं एकाग्रता व प्राण शक्ति बढ़ाता है। शीतली प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा में रखें। जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब का आकार दे दें। ऐसे जीभ से श्वास अंदर लें, मुंह बंद कर लें व नासिका रंध्रों से धीरे धीरे निश्वासन करें। यह आसन ठंड लगने पर कफ व टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान मुद्रा स्थापित करें, अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर लें, तर्जनियों से आँखों को बंद कर लें व मध्यमा को नासिका पोटों पर रखें। अनामिका और कनिष्ठिका से मुख बंद कर लें और भ्रमर की भुन भुन के भांति ध्वनि निकालें। श्वासन और निश्वासन के साथ यह भ्रमरी जैसी ध्वनि निकालनी आवश्यक है। यह आसन अनिद्रा तनाव को दूर करता है एवं एकाग्रता बढ़ाता है। ध्यान, ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी हथेलियों को जांघों पर रखें व ध्यान मुद्रा स्थापित करें। अपनी भवों के बीच में ध्यान केंद्रित करें एवं श्वासन और निश्वासन करें। ध्यान मस्तिष्क को शांत व आनंदमय रखता है। यह एकाग्रता, स्मृति व विचारों की स्पष्टता को स्थापित करता है। सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। खराब खराब एकदम खड़खड़ हो गया ना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।